हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर ऊपर के रिबन में व्यू टैब नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर के रिबन में फिलहाल कोई भी व्यू टैब कहीं भी आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको चलना है फाइल टैब में। ये रहा फाइल टैब, सबसे पहला टैब आपको दिख रहा है फाइल टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस का, ये रहा ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो वर्ड ऑप्शन का ये देखिए विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये रहा वर्ड ऑप्शन का विंडो, यहाँ पर हमको जाना है कस्टमाइज रिबन पे। ठीक है, ये रहा कस्टमाइज रिबन, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो कस्टमाइज रिबन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह के कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन टैब में हमें जाना है। अगर यहाँ पर मेन टैब ना शो हो रहा हो तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से मेन टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें मेन टैब में जाना है। अब मेन टैब में यहाँ पर देखिए नीचे ये सारे टैब हैं जो वहाँ पर रिबन में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्यू टैब है इसके आगे कोई भी चेक मार्क नहीं लगा है, तो हमें क्या करना है, इस पर चेक मार्क लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ ऊपर के रिबन में व्यू टैब आ जाएगा। चलिए ओके पे क्लिक करके देख लेते हैं। ये हमने ओके पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए व्यू टैब आ गया।